सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकन का बटन दबाएं हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। काफी स्पेस कम थी तो इसको अच्छे से यूटिलाइज हमने करा है। हमने पूरी कोशिश करी है कि इसको इस किचन में ज्यादा से ज्यादा स्टोरेज दे पाए। आप पूरे किचन का एक लुकआउट ले सकते हैं। काउंटरटॉप से स्टार्ट करते हैं। ये ग्रे कलर का नैनो काउंटरटॉप है। ये ग्लास फिनिश के साथ होता है और एंटी स्टेन भी होता है, जिससे कि आपके काउंटरटॉप पे कोई दाग धब्बा नहीं पड़ता। एंड टाइलिंग भी हमने इसी हिसाब से यहाँ पे करी हुई हैं, जो कि इस कलर के साथ मैच कर रही हैं। जैसे मैंने आपको बताया ही है कि किचन में टाइलिंग कलर वगैरह की सारी एडवाइस हम ही करते हैं। अभी लिफ्ट अप ग्लास साइड, जैसे कि आप देख रहे हो कि यहाँ पे पूरा क्रॉकरी का सामान रखा हुआ है एंड लाइटिंग का भी प्रोविजन दिया है, जो कि किचन की ब्यूटी को और एनहांस करती है। सोलर साइड लिफ्ट अप, हाथले के शोकर यूज करते हैं हम। एंड आप देख ही रहे होंगे इसमें भी काफी सारा सामान आ चुका है एंड नीचे भी हमने लाइटिंग का प्रोविजन करा है। यहाँ पे भी हमने एक रैक लगाया है ताकि इस किचन में हम मैक्सिमम से मैक्सिमम स्टोरेज दे सकें। ड्रो दिया है हमने, यहाँ पे एक मल्टीपर्पज ड्रो है। ये ग्रेन ट्रॉली, आटा चावल वगैरह रखने के लिए। पॉट एंड पैन यूनिट है मल्टीपर्पज यूजेस के लिए। आप जैसे मर्जी चाहे इसमें अपनी स्टोरेज को स्टोर कर सकते हैं। एलिका का हो है बट अभी इसको कनेक्शन नहीं दिया गया। ऑटो इग्निशन हो है ये भी। टेंडम बॉक्स फर्स्ट फॉर पीवीसी कटलरी, जैसे कि आप देख रहे हो कि इसमें अलग अलग सेक्शंस हैं तो इसमें सामान भी उसी के अकॉर्डिंग रखा हुआ है। मल्टीपर्पज ड्रो, आप अपने यूजेस के अकॉर्डिंग इसको यूज कर सकते हैं। लास्ट ड्रो, ये भी मल्टीपर्पज यूजेस के लिए है। एंड नीचे से भी हमने पूरे किचन को स्टार्टिंग के साथ सील किया है, जिससे कि किचन में कोई भी कॉकरोच या कोई इंसेक्ट वगैरह नहीं जाते यूनिट के अंदर। एस्क्रोजल, जिससे कि आपका पूरा कॉर्नर ऑप्टिमाइज हो जाता है एंड क्लीनिंग के बिहाव से भी ये काफी अच्छा होता है। जब पूरा शेल्फ बाहर आ जाता है तो आप इसको अच्छे से क्लीन कर सकते हैं। पूरा किचन हाइड्रोलिक है एंड 20-25 केजी तक वन शेफ लोड लेती है। सामलेस सिंक है, 3 फीट का सिंक है ये। डबल साइड सिंक है एंड इसमें हमने वेजिटेबल ट्रे भी दी है। इसमें आप अपने वेजिटेबल फ्रूट्स और जिस भी पर्पस के लिए आप इसे यूज करना चाहें इसको यूज कर सकते हैं। डिटर्जेंट होल्डर आपके लिक्विड सोप वगैरह रखने के लिए। डस्टबिन, 2 डस्टबिन की प्रोविजन है इसमें। एफोरेटेड स्टील बास्केट है विद पार्टीशन, मल्टीपर्पज यूजेस के लिए होती है ये। एंड जैसे कि आप देख रहे हो कि इसमें होल्स भी होते हैं जो कि आपके सामान को वेंटिलेट करते रहते हैं। यहाँ पे हमने जीपीपी के लिए दी हुई है हमारा डिश रैक, जिसमें कि आपके धुले हुए बर्तन आते हैं एंड
ये ड्रेन ट्रे है जिसमें आपके धुले हुए बर्तनों का पानी स्टोर हो जाता है, इसको आप निकाल के अगेन ड्राई करके प्रेस कर सकते हैं। चिमनी, वेव सेंसर वाली चिमनी है, ये 3 फीट की चिमनी है जिसका सेक्शन काफी अच्छा है। सो फ्रेंड, आपके लिए मैंने इस किचन की डिटेल शेयर कर दी है। अगर आपको इस किचन में कुछ नया लगता है या किसी चीज के बारे में आप डिटेल में जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। हमारा हेड ऑफिस तलवाड़ा डिस्ट्रिक्ट होशियारपुर में है। हमारी 3 ब्रांचेज है, फर्स्ट दसुआ पंजाब में, सेकंड पालमपुर हिमाचल प्रदेश में, लास्ट दौलतपुर हिमाचल प्रदेश में। ऐसे ही हमारी न्यू वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर सकते हैं। उससे ये होगा कि जब भी हम कोई नई वीडियो लेकर आएंगे उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको आएगा। आई होप आपको ये वीडियो भी अच्छी लगी होगी। ऐसे ही हमारे सभी वीडियोस को प्यार करते रहें। थैंक यू।